हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की एक बहुत ही शानदार रेसिपी, पराठे का किंग, गोभी का पराठा। ज़्यादातर लोगों को यही परेशानी होती है कि पराठा क्रिस्पी नहीं बनता, पराठे अच्छे नहीं लगते खाने में और अच्छा टेस्ट भी नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गोभी के पराठे बनाने का सबसे आसान तरीका और उनके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। इतना ज़बरदस्त पराठा बनेगा और ना ही आपको पराठे बनाने में कोई परेशानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पराठे बनाने की स्टेप। सबसे पहले मैं लेती हूँ एक आधा किलो गोभी। मैंने यहाँ पे आधा किलो गोभी का एक फूल लिया है। अब मैं इसको आगे, मैंने यहाँ पे इसको पीछे से कट कर लिया है और यहाँ पे एक लिया है घिया कस। इसको मैंने कद्दूकस करना है। गोभी को हमें धीरे धीरे ही अच्छे से कद्दूकस करना है और जो भी पीछे का डंठल वगैरह होता है ना उसको हटा देना है। उससे हमारे गोभी के पराठे में अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारी गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। गोभी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो आटा। अब मैं इसमें जो मैंने कद्दूकस की थी ना गोभी, उसको अच्छे से ऐड कर लेती हूँ। सारी गोभी को मैंने आटे में अच्छे से ऐड कर लिया है। तो अब इसमें जाएंगे हमारे कुछ मसाले, जिसमें मैं सबसे पहले ऐड करती हूँ एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्ची को मैंने ऐड कर लिया है। तो अब इसमें जाएंगे एक चम्मच तिल। तिल से हमारे पराठे बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। तो अब इसमें जाएगा एक चम्मच सौंफ। अब यहाँ पर हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून हींग, हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन से पराठे में गैस वगैरह नहीं बनती हमारे पेट में और पराठा बढ़िया बनता है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। अब यहाँ पर डालती हूँ हमारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारे मसाले मैंने अच्छे से आटे में ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसका करते हैं डो तैयार और ऊपर से डाल देंगे आधी कटोरी दही। अब हमें इसका हल्के हल्के हाथों से डो तैयार करना है। हमें इसमें ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे मसालों में वैसे ही ज़्यादा पानी रहता ही है। और थोड़ा सा ऊपर से डाल लेंगे तेल, जिससे हमारा बढ़िया से मोयन तैयार हो जाता है और पराठे बढ़िया से क्रिस्पी क्रिस्पी और बढ़िया सॉफ्ट व नरम बनते हैं। अब हम इसका अच्छे से डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा डो बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गया है और अच्छे से तैयार भी हो गया है। तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ। जब हमारे 10 मिनट ख़त्म हो जाएंगे तो अब मैं हम देखती हूँ हमारे पराठे का डो को। हमारा पराठे का डो एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। अब मैं इसका थोड़ा सा और हाथों से ठीक कर लेती हूँ। पराठा का डो हमारा बढ़िया से तैयार हो गया। अब मैं लेती हूँ एक बड़ी सी लोई और इसका पराठा बेलती हूँ। यहाँ पे लिया मैंने थोड़ा सा सूखा आटा और अब इसका बेलती हूँ एक पराठा। यहाँ पर लिया मैंने थोड़ा सा सूखा आटा और अब मैं बेलन से हल्के हल्के हाथों से पराठे को बेल लेती हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पराठा एकदम बढ़िया से बेल के तैयार कर लिया है। ऐसे ही मैं सारे पराठों को बेल लेती हूँ ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा सा आटा लगाकर। मेरा पराठा बहुत ही बढ़िया से बिल के तैयार हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ। गैस पे मैंने तवा रख दिया है। इसमें थोड़ा सा डाला है घी, जिससे कि हमारा पराठा नीचे चिपके नहीं और बढ़िया से सॉफ्ट व नरम बने। पराठा हमारा एक तरफ से बढ़िया से सिक चुका है। तो अब मैं इसको दूसरी तरफ कर लेती हूँ। पराठे को हमें दोनों तरफ से बढ़िया धीमी आंच पर ही सेकना है, जिससे कि हमारा पराठा बहुत बढ़िया से सिके और खाने में भी टेस्टी लगे। हमारा पराठा एक तरफ से बढ़िया से सिक चुका है। तो अब मैं इसके लगाती हूँ थोड़ा सा घी और इसे दोनों तरफ से पलट लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा घी लगाकर हमें पराठे को बढ़िया से सेकना है, जिससे कि हमारा पराठे के अंदर के मसाले कच्चे नहीं रहें और हमारी गोभी भी अच्छे से सिक जाए।
हमारा पराठा बहुत ही बढ़िया से सीख के तैयार हो गया है। आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और एकदम सॉफ्टनेस के साथ। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में बाहर और इसके लगाती हूँ ऊपर थोड़ा सा देसी घी। ऐसे ही करके मैं दूसरे पराठे को सेक लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा पराठा देसी घी के साथ एकदम बढ़िया से सिक के तैयार हो गया है। अब मैं दूसरे पराठे को भी ऐसे ही सेक लेती हूँ और इसके भी ऊपर लगाती हूँ देसी घी। तो मेरा पराठा एकदम बढ़िया से ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। सच में बहुत मज़ा आएगा खाने में। आप मेरे इस ट्रिक से पराठे बनाकर देखना। गोभी के पराठे आप बच्चे तो रोज ही मांगेंगे इन पराठों को। तो आप मेरी इस ट्रिक से गोभी के पराठे ज़रूर बनाना, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पराठों को तोड़कर, देखो कितनी सॉफ्टनेस के साथ मेरे पराठे एकदम बढ़िया से सिक्के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा खोल के भी दिखाती हूँ। इतना गर्म है कि मेरे हाथ भी जल रहे हैं। तो आप देख सकते हो मेरा पराठा अंदर से भी बहुत बढ़िया से सिक चुका है और एकदम खिला खिला, कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा पराठा। एकदम ज़बरदस्त बनके तैयार हो गया है, एकदम खिला खिला और बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ। तो ऐसे ही आप भी मेरे इस ट्रिक से पराठे बना के देखना, बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। तो अब मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ थोड़ा सा बटर और इसे सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पराठे बहुत बढ़िया से बनके हो गए हैं तैयार। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे गोभी के पराठे की थाली। तो आप भी इसी तरह बनाएं, एकदम करारे खस्ता पराठे, बहुत ही बढ़िया हमारे गोभी के पराठे। सभी लोग खुश हो जाएंगे जब आप ब्रेकफास्ट में सुबह की कड़कड़ाती ठंड में सुबह ये गर्मा गर्म गोभी के पराठे ऐसे खस्ता सर्व करेंगे। तो अब घर के सभी लोग वेट कर रहे हैं कि गोभी के पराठे कब मिलेंगे खाने को। तो मैं तो इन्हें परोस नहीं जा रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना मेरे गोभी के पराठे कैसे लगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।